हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क 2018 और एसबीआई पीओ 2018 के लिए न्यू पैटर्न के स्पॉटिंग एरर के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, ये समय ये पैटर्न पूछा जा रहा है और इस पैटर्न में क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्शंस हम देख लेते हैं। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन व्हिच इज डिवाइडेड इनटू फाइव पार्ट्स। इट इज़ देन फॉलोड बाई फाइव ऑप्शंस विच गिव द सीक्वेंस ऑफ द करेक्ट पाथ। यानी इस सेंटेंस में आपको क्या करना है कि पांच पार्ट जो हैं उसमें से एक पार्ट जो है वो इनकरेक्ट है, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, और उस पार्ट को आपको पहचानना है और उस पार्ट को हटा के फिर चार जो पार्ट बचेंगे उसका जो सीक्वेंस बनेगा दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस को, जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसमें आपको ये पता करना होता है कि एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। तो पांच पार्ट्स में से एक पार्ट जो है जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है उसको आपको आइडेंटिफाई करके, उसको रिमूव करके, आपको बाकी के जो करेक्ट सीक्वेंस है, करेक्ट जो पार्ट है उसको मिला के आपको एक सीक्वेंस बनाना है और वही आपका आंसर होगा। चलिए पार्ट बाई पार्ट हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं। मिस्टर प्रभाकरन हु सिक्योर्ड द 101 रैंक इन द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हैज़ बीन फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फॉर मैनी ईयर्स बट नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन बुक्स इन परस्यूट ऑफ हिज गोल्स। यदि आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिक्योर्ड। मिस्टर प्रभाकरन जिन्होंने 101 रैंक सिक्योर की थी, ठीक है, यानी ये सेंटेंस जो है ये पूरा पास्ट में चल रहा है। इसके अलावा आगे हम यहाँ देखते हैं कि हु हैज़ बीन फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फॉर मैनी ईयर्स, जो कि पास्ट से लेके अब तक, हैज़ बीन का मतलब है कि पास्ट में उनकी प्रॉब्लम शुरू हुई और अभी तक, पास्ट से लेके अभी तक वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी बुक्स में इन्वेस्ट करने का जो अपॉर्चुनिटी थी उसको कभी भी उन्होंने मिस नहीं किया ताकि अपने गोल को वो परस्यूट कर सकें। इन परस्यूट ऑफ हिज गोल, ये जो है ये सही है, इस तरह से ये जो फ्रेज़ है इन परस्यूट ऑफ हिज गोल ये सही है। इन्वेस्ट के बाद यहाँ पर इन लगा हुआ है जो कि सही है, ठीक है। 101 जो है ये ऑर्डिनल नंबर है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो ऑर्डर बताते हैं वो ऑर्डिनल नंबर होते हैं और ऑर्डिनल नंबर से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, तो ये सही है। यूपीएससी से पहले दा का प्रयोग हुआ है जो कि सही है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इससे पहले दा का प्रयोग सही है। लेकिन ये सेंटेंस पास्ट में है, ठीक है, तो हम यहाँ पर मिस ना बोलते हुए इसमें हम बोलेंगे मिस्ड, बट नेवर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम मिस्टर प्रभाकरन के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी 101 भी रैंक सिक्योर कर ली है, यानी उन्होंने जो स्टडी की है वो पास्ट में की है और अब तो वो आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं, उनकी रैंक आ चुकी है। तो यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मिस कहना यहाँ पर गलत होगा, इसके स्थान पर हमें बोलना होगा मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी से पहले एन लगा हुआ है जो कि सही है, इन्वेस्ट के बाद इन लगा हुआ है जो कि सही है, इन परस्यूट ऑफ हिज गोल्स सही है। तो इसमें गलत क्या है, गलत कौन सा पार्ट है, इसमें गलत है सी पार्ट, ठीक है, फॉर मैनी ईयर्स बट नेवर मिस्ड, यानी सी पार्ट इसमें गलत है। अब आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर ऐसा सीक्वेंस होगा जिसमें सी नहीं है, तो सी इसमें है, सी इसमें है, सी इसमें है, यानी सी ऑप्शन में सी नहीं है, तो आपका आंसर होगा सी, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग हिज विजिट्स टू द बैंक ही सेज सिक्योरिटी पर्सनल यूज्ड टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम इवन टॉकिंग टू द मैनेजर एज ही यूज्ड टू रिक्वेस्ट हिम ऑफ मोर टाइम टू रीपे द लोन। इस सेंटेंस में हम क्या बात कर रहे हैं, इस सेंटेंस में हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं और उस व्यक्ति के साथ जो घटित हुआ है वो इस सेंटेंस के थ्रू वो व्यक्ति अपनी अपनी बात, अपनी स्टोरी पूरी बता रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ही सेज, मतलब वह कहता है, वह कहता है, क्या कहता है, वो अपनी पूरी पूरी स्टोरी जो है इस सेंटेंस के थ्रू बताता है। ही सेज दैट ड्यूरिंग हिज विजिट्स, मतलब काफ़ी सारी विजिट्स वो करता था टू द बैंक, मतलब एक पर्टिकुलर बैंक की यहाँ पर बात हो रही है। ड्यूरिंग हिज विजिट्स टू द बैंक ही सेज, ही सेज को हम यहाँ शुरू में भी लगा सकते हैं और यहाँ एंड में भी हम लगा सकते हैं,
ये एंड में एग्जामिनर इसलिए लगाता है ताकि स्टूडेंट को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, इसलिए इसको हम एंड में लगाते हैं इस फेज को। लेकिन इसको हम शुरू में भी लगा सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं कि ही सेज ड्यूरिंग हिज विजिट्स टू द बैंक सिक्योरिटी पर्सनल यूज्ड टू प्रिवेंट हिम, सिक्योरिटी पर्सनल जो थे वो उसको रोका करते थे, ठीक है। प्रिवेंट हिम, अब देखिए प्रिवेंट के बाद हम प्रपोजिशन फॉर्म लगाते हैं और प्रपोजिशन फॉर्म के बाद हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो ये पार्ट आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है। फ्रॉम टॉकिंग टू द मैनेजर, मैनेजर से पहले भी द इसमें लगा हुआ है क्योंकि पर्टिकुलर मैनेजर और पर्टिकुलर बैंक की बात हो रही है इसमें। एज ही यूज्ड टू रिक्वेस्ट, यहाँ तक सही है ये सेंटेंस, रिक्वेस्ट हिम फॉर सॉरी, तो यहाँ पर जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट हम किसी चीज के लिए करते हैं, ठीक है, किसी चीज के लिए हम निवेदन करते हैं या विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो रिक्वेस्ट हिम व्हाट, रिक्वेस्ट हिम फॉर व्हाट, रिक्वेस्ट हिम फॉर मोर टाइम टू रीपे द लोन। वो व्यक्ति जो था वो मैनेजर से ज़्यादा टाइम मांगता था उस लोन को रीपे करने के लिए, वो मैनेजर से बोलता था कि ठीक है 12 महीने में मैं रीपे नहीं कर पाऊँगा, मुझे 18 महीने का टाइम दिया जाए ताकि मैं लोन को आराम से रीपे कर सकूँ, उसको चुका सकूँ। तो इसलिए ये जो प्रपोजिशन है ये यहाँ पर गलत है और इसके स्थान पर यहाँ पर होना चाहिए फॉर, यानी ई पार्ट जो है इसमें आपका गलत है। अब आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर ऐसा सीक्वेंस होगा जिसमें ई नहीं है, तो ई इसमें है, ई इसमें है, ई इसमें है, आपका आंसर होगा बी, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इस ई कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा, यदि आप श्योर सक्सेस लेना चाहते हैं बैंक बीओ क्लर्क और एसएससी एग्जाम्स में तो इन ई कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और इन कोर्सेज के रिगार्डिंग आप इन नंबर्स पर हमसे बात भी कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। द रेप्टाइल, रेप्टाइल एक कैटेगरी होती है यदि आपने बायोलॉजी या जूलॉजी पढ़ी हो, ठीक है। द रेप्टाइल बिलोंग्स, रेप्टाइल एक सिंगुलर है, सिंगुलर कैटेगरी है तो बिलोंग्स यहाँ पर सही है, belongs to a family of snakes, ठीक है। reptile belongs to a family of snakes, reptile के अंदर snakes की family आती है। found only in, जो कि मिलते हैं जो कि पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, peninsular India में और श्रीलंका में, तो यहाँ तक तो ये sentence बिल्कुल सही है। इसके बाद इसमें बोला जा रहा है they are non-venomous, मतलब उनमें जहर नहीं होता है। बुरोइंग मतलब जो बुरो में रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं जो जमीन में अंदर खोद के जो बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, दे आर नॉन विनोमस बुरोइंग एंड मोस्टली अर्थ वॉर्म ईटिंग। तो यहाँ पर तो ये सेंटेंस सही है क्योंकि यहाँ पर एक ही कैटेगरी की स्नेक की हम अलग अलग क्वालिटी बता रहे हैं कि वो नॉन विनोमस होते हैं, ठीक है, बुरोइंग होते हैं और बुरो में रहते हैं, एंड मोस्टली अर्थ वॉर्म ईटिंग, और अर्थ वॉर्म को वो ईट करते हैं, एंड आर कॉल्ड शील्ड टेल्स। शील्ड टेल का मतलब क्या होता है, शील्ड टेल का मतलब होता है कि उनकी जो पूंछ होती है, जो टेल होती है, उसको वो छोड़ देते हैं, उसको वो रिमूव कर देते हैं, आफ्टर द लार्ज फ्लैट टिप ऑफ देयर टेल्स, ठीक है। इनको हम शील्ड टेल्स कहते हैं, सील टेल्स यहां पर देखिए आफ्टर आया है, आफ्टर का मतलब है कि हम इस चीज के लिए उनको सील टेल्स बोलते हैं, ठीक है। सील टेल हम इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो लार्ज फ्लैट टिप होती है उनके टेल की, विच मेक दम अपियर ऑलमोस्ट स्लाइस्ड अप, उनकी जो लार्ज फ्लैट टिप होती है वो उनको ऐसा दिखाती है कि उनको उनकी पूंछ से अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी सारा तो सही है, लेकिन ये जो फ्रेज यहाँ पर यूज़ हुआ है स्लाइस्ड अप के स्थान पर हम बोल सकते हैं स्लाइस्ड ऑफ। स्लाइस्ड अप का मतलब होता है किसी चीज़ को कई टुकड़ों में बांट देना, जबकि स्लाइस ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग कर देना। तो इसमें आपका कौन सा पार्ट गलत हुआ, इसमें आपका ई पार्ट जो है ये आपका गलत है। अब आपका आंसर क्या होगा, जिसमें ई नहीं है वो आपका आंसर होगा, ई इसमें है, ई इसमें है, ई इसमें है, आपका आंसर होगा डी, क्योंकि इसमें ई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। न्यू स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर बीइंग डिस्कवर्ड वर्ल्ड वाइड टू एंड सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका आर कंसीडर्ड द रीजंस
टू द हाइएस्ट स्नेक डाइवर्सिटी. न्यू स्पीसीज ऑफ स्नेक्स, यहाँ तक ये करेक्ट है, आर बीइंग डिस्कवर्ड, मतलब न्यू स्पीसीज स्नेक्स की जो नई स्पीसीज हैं उनको डिस्कवर्ड किया जा रहा है. ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है जिसमें बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म लगी रहती है, ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन होता है. ठीक है, तो ये सही है. वर्ल्ड वाइड टू एंड सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका आर कंसिडर्ड, इनको कंसिडर किया जाता है, ये भी पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है. कंसिडर्ड द रीज़न, मतलब सेंट्रल और साउथ अमेरिका ऐसे रीज़न हैं जहाँ पर हाइएस्ट स्नेक डाइवर्सिटी है. तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, दे आर द रीजन्स विद द हाइएस्ट स्नेक डाइवर्सिटी. तो इसमें टू के स्थान पर विद का प्रयोग करना ग्रामेटिकली सही माना जाएगा. यानी इसमें भी आपका ई जो पार्ट है ये गलत है. तो आपका आंसर क्या होगा, इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें ई नहीं है. आपका आंसर होगा ए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. इस पूरे वीडियो को आप एंड तक देखिए, इसमें मैंने 12 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं और इससे निश्चित रूप से आपको बहुत हेल्प मिलेगी किसी भी बैंकिंग एग्जाम को निकालने के लिए. रीजनल पार्टीज एंड सेवरल सिविल सोसाइटी मेंबर्स, रीजनल पार्टीज एंड सेवरल यहाँ तक सही है, सोसाइटी मेंबर्स कंडेम्ड, कंडेम्ड मतलब क्रिटिसाइज किया उनको, कंडेम्ड यहाँ तक ये सही है, कंडेम्ड द अटैक द टूरिस्ट द सेकेंड सच इंसिडेंट इन आ फोर्टनाइट. फोर्टनाइट बोलते हैं 15 दिन का जो टाइम होता है उसको, और सेकेंड से पहले यहाँ पर दा लगा हुआ है जो कि सही है. इन ए फोर्टनाइट कहना भी सही है, 15 दिन का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं इन ए फोर्टनाइट. लेकिन इसमें गलती कहाँ पर है, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं और गलती निकालते हैं. रीजनल पार्टीज एंड सेवरल सिविल सोसाइटी मेंबर्स कंडेम्ड द, कंडेम्ड वॉट, कंडेम्ड द अटैक. ठीक है, जब वॉट का आंसर आता है, वॉट जब आप बोलते हैं और उसका जो आंसर आता है वो हमेशा एक नाउन होती है, हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है. जैसे यदि मैं बोलूं कि आई हैव ईटन माय लंच, तो यदि मैं बोलूं कि आई हैव ईटन व्हाट, तो उसका आंसर आएगा लंच. और लंच अपने आप में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है या एक नाउन है. ठीक है, तो अटैक का प्रयोग दो तरीके से होता है, अटैक का प्रयोग वर्ब की तरह भी होता है. जैसे इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान, इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान, तो जब अटैक का प्रयोग वर्ब की तरह होता है तो अटैक के बाद किसी भी प्रपोजिशन का प्रयोग हम नहीं करते, और जब अटैक का प्रयोग नाउन की तरह होता है तो उसके बाद हम ऑन का प्रयोग करते हैं. कंडेम्ड द अटैक ऑन द टूरिस्ट, यहाँ पर ऑन होना चाहिए क्योंकि अटैक का प्रयोग नाउन की तरह हो रहा है. कंडेम्ड वॉट, कंडेम्ड द अटैक, एंड अटैक ऑन वॉट, अटैक ऑन द टूरिस्ट. ठीक है, तो अटैक का प्रयोग यहाँ पर नाउन की तरह हो रहा है तो इसलिए अटैक के बाद यहाँ पर ऑन लगाना इसमें ज़रूरी है. यानी सी पार्ट जो है इसमें गलत है. ठीक है, तो जिसमें सी नहीं होगा वो आपका आंसर होगा. सी इसमें है, सी इसमें है, सी इसमें है, सी बी में नहीं है, तो आपका आंसर होगा बी. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. पार्लियामेंट रीसेंट अप्रूवल ऑफ द रीड्रॉन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज रीइंफोर्स्ड एलिगेशंस ऑफ जेरीमेंडरिंग एंड अनइक्वल साइजिंग ऑफ इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट टू बेनिफिट द नेशनल फ्रंट. देखिए, नेशनल फ्रंट इसमें एक पार्टी का नाम है, इससे पहले दा लगा हुआ है जो कि सही है. इसमें हम बात क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट ने अलग तरीके से या नए तरीके से रीड्रॉन जो किया है इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी को, जो जो मतदाता के जो क्षेत्र होते हैं, जैसे विधानसभा क्षेत्र होता है, लोकसभा क्षेत्र होता है, उसमें हेरा फेरी की है. मतलब किसी लोकसभा क्षेत्र में तो ज़्यादा मतदाता हैं, किसी में कम है, किसी का साइज ज़्यादा है, किसी का कम है, मतलब इक्वल तरीके से उनको ड्रॉ नहीं किया है. ठीक है, तो पार्लियामेंट रीसेंट अप्रूवल ऑफ द रीड्रॉन इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी हैज़ reinforced allegations of gerrymandering. gerrymandering का मतलब होता है कि जब constituencies को manipulate किया जाता है किसी एक पार्टी को फेवर करने के लिए, that is called gerrymandering. तो पार्लियामेंट का जो recent approval है, जो नई constituency के regarding जो recent approval है, उसने allegations को और ज़्यादा reinforce कर दिया है, allegations को और ज़्यादा power दे दी है. ठीक है, और इस एलिगेशन में ये कहा गया है कि ये जेरीमेंडरिंग जो की गई है इससे किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को बेनिफिट होगा.
ठीक है। तो इस सेंटेंस में बाकी सब तो सही है, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा अपोस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि रीसेंट अप्रूवल जो दिया है वो किसने दिया है, वो पार्लियामेंट ने दिया है। पार्लियामेंट का है वो रीसेंट अप्रूवल गिवन बाय द पार्लियामेंट, और यू कैन से पार्लियामेंट्स रीसेंट अप्रूवल, ठीक है। यहाँ पर आपको अपोस्ट्रॉफी एस की यहाँ पर ज़रूरत है। तो ए पार्ट इसमें आपका गलत है, तो जिसमें ए नहीं होगा वो आपका आंसर होगा। इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए है, आपका आंसर होगा ए, यानी बी सी डी ई। जेरीमेंडरिंग का मीनिंग मैंने नीचे दिया हुआ है, मैनिपुलेट द बाउंड्रीज ऑफ एन इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी सो एज टू फेवर वन पार्टी और क्लास, तो ये होता है जेरीमेंडरिंग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सिद्धारमैया हु वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग द सर्च ऑपरेशन सेड ही वॉज नॉट कैंपिंग। देखिए यहाँ पर सिद्धारमैया की बात हो रही है, यहाँ पर ये पास्ट टेंस है, ठीक है, और यहाँ पर भी ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ तक तो ये सेंटेंस सही है। इसके आगे हम देखते हैं, सिद्धारमैया हु वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग द सर्च ऑपरेशन सेड ही वॉज नॉट कैंपिंग ऑन द रिजॉर्ट एंड हैड कम भी सही है, क्योंकि पास्ट टू पास्ट है ये, क्योंकि ये जो घटना हुई है जब वो डिनर के लिए आए हैं तो ये घटना पहले हो चुकी है, उसके बाद उन्होंने इस स्टेटमेंट दिया है। तो हैड का प्रयोग तो यहाँ पर सही है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो भी सही है, हैड कम टू द प्लेस ये भी सही है, टू हैव डिनर कहना भी सही है, ठीक है, क्योंकि टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं वर्ब की, तो ये सही है। लेकिन यहाँ पर गलती क्या है, यहाँ पर गलती है एक्चुअली इस प्रपोजिशन की। उन्होंने कैंपिंग जो की वो कहाँ पर की, किस पर्टिकुलर पॉइंट पर की, उन्होंने जो कैंपिंग की एक पर्टिकुलर रिजॉर्ट पर की, सो वी आर इंडिकेटिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड टू कन्वे द मीनिंग ऑफ द पॉइंट, टू इम्प्लाई द मीनिंग ऑफ द पॉइंट वी ऑलवेज यूज प्रपोजिशन एट। तो यहाँ पर ये जो ऑन है ये गलत है, और इन प्लेस ऑफ ऑन यू हैव टू पुट एट हेयर। तो इफेक्टिवली सी पार्ट जो है ये आपका गलत है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, इसमें आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाई स्पीड मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस हैज बीन स्टॉप्ड, ये सही है सेंटेंस क्योंकि ये पैसिव वॉइस में यूज हुआ है। हाई स्पीड मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस हैज बीन स्टॉप्ड, हाई स्पीड मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस को स्टॉप कर दिया गया है, ठीक है। ट्रेन सर्विसेज, यहाँ पर चूंकि सर्विसेज है इसलिए हैव कहना यहाँ पर सही है, हैव ऑल्सो बीन सस्पेंडेड, तो ये सेंटेंस भी सही है। देयर वॉज थिन ट्रैफिक ऑन द रोड्स, मार्केट बैंक्स एंड पेट्रोल पंप्स वर क्लोज्ड इन द मॉर्निंग, तो ये सेंटेंस भी सही है। तो ये तीनों ही सेंटेंस सही हैं और इसमें कोई एरर नहीं है, इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ओनली द टू टॉप एंड द एंड ऑफ द रेगुलर सीजन वर गारंटेड, वर का प्रयोग सही है क्योंकि दो की हम बात कर रहे हैं। वर गारंटेड अ प्लेस इन इंग्लिश फुटबॉल्स ल्यूक्रेटिव टॉप फ्लाइट एंड सेकेंड टीयर टाइटल विनर वुल्व हैड ऑलरेडी सिक्योर्ड वन ऑफ दोज स्पॉट्स, ठीक है। तो इसमें गलती कहाँ है, इसमें देखिए गलती जो है इसमें इस सीक्वेंस में है। टू टॉप ना बोलते हुए हम बोलेंगे टॉप टू, ठीक है। देखिए इंग्लिश में दो तरह के नंबर होते हैं, एक होता है कार्डिनल नंबर और एक होता है ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, ऑर्डिनल नंबर का मतलब होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो ऑर्डिनल नंबर मतलब जो ऑर्डर बताते हैं, ठीक है। कार्डिनल नंबर मतलब जो सिंपल नंबर बताते हैं, तो ऑर्डिनल नंबर को हम पहले रखते हैं, जैसे फर्स्ट टू, ठीक है, द फर्स्ट टू। तो इसमें टॉप जो है ये ऑर्डर बताता है, इसलिए मतलब ये ऑर्डिनल नंबर हुआ। तो ऑर्डिनल नंबर को हम पहले रखते हैं, टॉप टू हम बोलेंगे, टू टॉप नहीं बोलेंगे। तो इसमें ये जो पार्ट है ये आपका गलत है, यानी इसमें आंसर क्या होगा, ए के बिना जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो गलत होगा आपका। तो ए इसमें है, ए इसमें है, ए इसमें है, ए बी में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। अब यहाँ पर शुरू होते हैं टाइप टू क्वेश्चन, और ये एक लेटेस्ट पैटर्न है बैंकिंग एग्जाम में। इसमें देखिए एक क्वेश्चन को 5 पार्ट में हमने डिवाइड किया गया है, और एक जो ई पार्ट है उसको हमने बोल्ड किया गया है।
ई पार्ट जो है ये ऑलरेडी करेक्ट है, ई पार्ट जो है ऑलरेडी करेक्ट है। तो अब बाकी कितने पार्ट बचे? बाकी बचे चार पार्ट। अब चार पार्ट में से तीन पार्ट जो है ये इनकरेक्ट हैं और एक ही पार्ट करेक्ट है। चार पार्ट में से तीन पार्ट कैसे हैं? इनकरेक्ट हैं, एक पार्ट उसमें से करेक्ट है। उस एक करेक्ट पार्ट को देखना है और उस पार्ट का जो नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। अब हम यहां पर पढ़ते हैं पैडी एंड सुगर केन, यानी चावल और सुगर केन, चावल और गन्ना। पैडी एंड सुगर केन आर इंडियाज द मोस्ट वाटर गजलिंग क्रॉप्स यूजिंग अप ओवर हाफ। वाटर गजलिंग क्रॉप्स मतलब जिनमें पानी बहुत ज्यादा लगता है, जिनमें पानी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। गजल का मतलब होता है निगलना, तो पानी का कंजम्पशन इनमें बहुत ज्यादा होता है, पैडी में और सुगर केन में। तो ये बात तो सही है, लेकिन यहां पर मोस्ट से पहले दा का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस के बाद जब मोस्ट आता है तो उसके बाद हम दा का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस के बाद हम दा का प्रयोग मोस्ट से पहले नहीं करते, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। अब हम देखते हैं आगे वाला सेंटेंस, ऑफ द कंट्रीज टोटल इरीगेशन वाटर, ये पार्ट सही है। रिसोर्सेज बट प्रोक्यूरिंग पॉलिसीज एंड, देखिए किस तरह की पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। प्रोक्यूरिंग पॉलिसी कहना गलत होगा यहाँ पर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज, प्रोक्यूरिंग पॉलिसी नहीं, यहाँ पर हम बोलेंगे प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज, क्योंकि सही टर्म इसका जो है वो है प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज। ठीक है, प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज मतलब किसी भी चीज़ को ट्रांजेक्ट करना, उसको बेचना, प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज। तो ठीक है, ये गलत हो गया। अब आगे हम देखते हैं एंड वाटर एंड पावर सब्सिडीज आर। अब आर के बाद या तो ये होगा स्क्यूड, ठीक है, या तो होना चाहिए इसको स्क्यूड, मतलब स्क्यूज तो बिल्कुल गलत है। और इसके बाद हम आगे देख लेते हैं, पावर सब्सिडीज आर स्क्यूड प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिस्टॉर्टिंग। अब देखिए यहाँ पर चूंकि डिस्टॉर्टिंग दिया है और ये डिस्टॉर्टिंग जो है एंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर स्क्यूड नहीं होगा, यहाँ पर होगा स्क्यूइंग। ठीक है, चूंकि यहाँ पर आई एन जी फॉर्म है और ये पार्ट एंड के साथ जुड़ा है, तो ये पहले वाला जो पार्ट है ये भी आई एन जी में आएगा, तो यहाँ पर स्क्यूइंग होगा एक्चुअली। तो ये पार्ट आपका, ये पार्ट भी आपका गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज होगा तो ये पार्ट भी गलत हो गया, यहाँ पर मोस्ट से पहले दा नहीं आएगा तो ये पार्ट गलत हो गया। अब बचा कौन सा पार्ट? आपका बी पार्ट सही है इसमें, ऑफ द कंट्रीज टोटल इरीगेशन वाटर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, क्योंकि बी पार्ट सही है और ई पार्ट जो है वो ऑलरेडी सही है। स्क्यूट का क्या मतलब है? स्क्यूट का मतलब होता है सडनली चेंज डायरेक्शंस और पोजीशन, एकदम से सरक जाना, एकदम से खिसक जाना एक तरफ, जैसे एक तरफ किसी चीज का स्क्यू हो जाना। ठीक है, द कार हैड स्क्यूड अक्रॉस द ट्रैक, मतलब कार जो है वो ट्रैक से स्क्यू हो गई थी। सपोज ये ट्रैक है तो इससे यहां पर अगर चल रही है तो यहां से सरकती हुई वो यहां पर चली गई थी, इसको हम बोलेंगे स्क्यूड। और स्क्यूड का एक मीनिंग ये है और एक मीनिंग ये है, मेक बायस्ड और डिस्टॉर्टेड इन ए वे दैट इज रिगार्डेड एज इनएक्यूरेट अनफेयर और मिसलीडिंग। किसी भी चीज को डिस्टॉर्ट कर देना ताकि वो फेयर नहीं रह जाए, ताकि वो गलत हो जाए। जैसे यहां पर आप देखिए, द करिकुलम इज स्क्यूड टूवर्ड द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। ठीक है, ये स्क्यूड का मतलब होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बाय जस्ट चेंज, चूंकि बाय एक प्रपोजिशन है इसलिए ये होगा बाय जस्ट चेंजिंग, तो ये गलत हो गया। बाय जस्ट चेंजिंग द टाइमिंग, चेंजिंग द टाइमिंग टू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बाय जस्ट चेंजिंग द टाइमिंग ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ये भी गलत हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन द रिसर्चर कोड, ये सी पार्ट सही है इसमें, कोड के साथ यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, तो ये गलत हो गया आपका। और ई पार्ट जो है वो ऑलरेडी सही है, तो इन चारों पार्ट में से कौन सा पार्ट सही है आपका? सी पार्ट आपका सही है, तो सी दिया है ए में, तो आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सच ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन फॉर रिलेटिवली लेस लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स टू वैल्यू एडेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वुड इन टर्न लीड्स। वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं तो लीड्स नहीं होगा, ये सेंटेंस गलत हो गया। और सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो सस्टेन्ड होती है,
इकोनॉमिक ग्रोथ इज सस्टेन्ड नॉट सस्टेनिंग, ठीक है, क्योंकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ की क्वालिटी की बात कर रहे हैं और क्वालिटी को हम ईडी फॉर्म से बताते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सस्टेनिंग नहीं है, वो चल नहीं रही है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन कर रही है, हम यहां पर ये बताना चाहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है। क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, वुड 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 इन टर्न लीड टू, मतलब ये चीज इस चीज को पैदा करेगी, ठीक है, वुड इन टर्न लीड टू, लीड टू मतलब इस चीज से ये इफेक्ट आएगा। तो इफेक्ट क्या आएगा, सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ का एक रिजल्ट आएगा। तो यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ की हम क्वालिटी बता रहे हैं, तो इसलिए यहां पर हम बोलेंगे सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये पार्ट आपका गलत हो गया। सच ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन तक चेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं फ्रॉम वन टू टू, ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन भी एक तरीके का चेंज होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे सच ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम, यहाँ पर फ्रॉम आएगा एक्चुअली, फ्रॉम रिलेटिवली लेस लेबर इंटेंसिव सेक्टर टू वैल्यू एडेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो ये पार्ट भी आपका गलत हो गया। सेक्टर्स टू वैल्यू एडेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यानी इसमें बी पार्ट जो है वो आपका सही है। तो आपका आंसर होगा इसमें सी। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, सच ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम रिलेटिवली लेस लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स टू वैल्यू एडेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मतलब हम ऐसे प्रोडक्ट पर फोकस करें जिसमें भले ही लेबर ज़्यादा लगे लेकिन वो वैल्यू एडेड हो, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो ये इस सेंटेंस का मतलब है। इस वीडियो क्लास में मैंने 12 हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं एसबीआई क्लर्क 2018 के लिए और एसबीआई पीओ 2018 के लिए। तो ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और आप यदि हमारा ई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, और इसके रिगार्डिंग नंबर्स पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।